बाद आज पिछले 5 साल से ऐसे ही पड़ी है। उसमें दरवाजे नहीं हैं, खिड़कियां नहीं हैं, टूटी हैं और एकदम जर्जर अवस्था में हो गई है। तो कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रक्चरल ऑडिट करना आवश्यकता है। किसी की सरकार में कोई भी डेवलपर हो, अगर डेवलपर ने काम खराब किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए स्ट्रक्चर, क्योंकि आज अगर 12 से 14 हज़ार परिवार वहाँ पर उनका पुनर्वसन होगा तो उनकी जिम्मेदारी लेने देखने की काम, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखने का काम, उनको नागरिक सुविधा देने की जिम्मेदारी संभालने का काम मौजूदा सरकार को करना चाहिए। तो वो सरकार को करना है और उसकी इसलिए मैं स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता होगा कि इसके पहले एक IAS अधिकारी थे, उन्होंने इस पर एक सरकार को रिपोर्ट दी थी कि इस पूरी की पूरी कॉलोनी की HDIL ने जितनी भी बिल्डिंगें वहाँ पे बनाई हैं उसकी स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना ज़रूरी है। तो उस वजह से भी और पिछले 4-5 सालों से जिस तरह से खाली पड़ी है इमारत, जर्जर आधार पर हो गई है, एकदम उसका ये हो गया है, इसलिए करना जरूरी है सुरक्षा की दृष्टि से।